दोस्तों आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज वसंत पंचमी और सरस्वती माता जी का पूजा भी है। और किस किस को इस दिन के बारे में पता था, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान के कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा पानी का घड़ा जिसमें आप कितना भी पानी भर लो वो कभी नहीं भरेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये चमत्कार हुआ है शीतला माता के मंदिर में। और उस मंदिर में एक घड़ा रखा हुआ है जो कि आधा फीट गहरा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घड़े में आप जितना भी पानी भर लो वो कभी भरेगा ही नहीं। और वैज्ञानिकों ने इसमें काफी रिसर्च की और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और एक बार इसमें 50 लाख लीटर पानी भी भरा गया लेकिन वो घड़ा तभी भी नहीं भरा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये घड़े का पानी जमीन के अंदर चले जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब इस घड़े में दूध डाला जाता है तभी ये घड़ा कुछ ही देर में भर जाता है। और ये रहा उस जगह की एक छोटी सी क्लिप। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप शीतला माता के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है हनुमान जी का पहला नाम क्या है और उनके नाम का मतलब क्या होता है? हनुमान जी का पहला नाम मारुति है और मारुति नाम के अक्षर को ध्यान दिया तो माँ से माधव मतलब विष्णु जी का नाम, और रू से रुद्र यानी महादेव जी का नाम, और त से सत्रचित यानी ब्रह्म जी का एक नाम, और आखिरी ई से आदि शक्ति का नाम। और मारुति का मतलब होता है पवन देव जैसा तेज, त्रिदेवों के गुण और माता शक्ति की शक्ति। दोस्तों क्या आपको इस जानकारी के बारे में पता था? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलेगा। गणेश विसर्जन के वक्त कई लोगों ने घर पर ये नोटिस किया कि गणपति बप्पा की जो मूर्ति है उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और ऐसे कई सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए और ये रहा उसी वीडियो का एक छोटी सी क्लिप। और कई लोगों का ये कहना था कि गणपति बप्पा अपने भक्तों से दूर होने के कारण से ही उदास होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों माना जाता है कि कैलाश पर्वत में महादेव अभी भी रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो रहस्यमय जगह में से एक है। अगर आप कैलाश पर्वत को दूसरी साइड से देखोगे तो आपको ओम का एक साइन दिखेगा, और अगर आप शाम के वक्त इस जगह पर आओगे तो आपको स्वास्तिक का एक परछाई पर्वत के ऊपर दिखेगा। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। और साइंटिस्टों का कहना है कि इस पर्वत में अलग सी एक एनर्जी घूम रही है, और जो भी लोग कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं उन लोगों का नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगता है। अगर आप महादेव जी के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो 3 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि साईं बाबा जी के मंदिर पर एक कौवा आया हुआ होता है, और फिर उस कौवे ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। और आप भी देखिए इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। दोस्तों क्या आपने ये देखा, उस कौवे ने पास में रखा हुआ फूल अपने चोंच से उठाकर साईं बाबा जी के पास रख दिया, मानो कि वो साईं बाबा जी के दर्शन ले रहा हो। और ये सब वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप साईं बाबा जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको ट्रैवल और ब्लॉगिंग से जुड़े हुए वीडियो देखना पसंद है तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इन्हें सपोर्ट करें। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।